So we are studying chapter number 9, some applications of trigonometry. Class 10th, subject mathematics, question number 30. In last video, we completed till here question number 12. Now we will do question number 13. So let's start question number 13. As observed from the top of a 75 meter high लाइटहाउस फ्रॉम द सी लेवल. कुछ नहीं है, यहाँ पे एक लाइटहाउस बना लो. सबसे पहले 75 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, ये एक लाइटहाउस है. एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ, तो इसके टॉप से, तो यहां से देखे जा देखा जाएगा. कहाँ देखा जाएगा, ऊपर देखेंगे कि नीचे, भी आगे पढ़ते हैं. एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ देखा जा रहा है, नीचे की तरफ. एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये लेवल, इससे नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देखा जा रहा है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बना लेते हैं, मतलब यहां से नीचे देखा जा रहा है, तो एक शिप यहाँ पे दिखी है, ठीक है, तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, और दूसरी शिप यहाँ कहीं दिखी है, तो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है. वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री. दो शिप हैं, तो उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो, ऐसे बनाना चाहो तो ये यहाँ बनेगा 30 डिग्री का, 30 डिग्री का इधर बन गया, ठीक है, और ये 45 का ये वाला बनेगा, ये बनेगा 40. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनते हैं ना, लेकिन फिर ये जेड होगा, तो जेड से ये 30 यहाँ आ जाएगा और इस जेड से 45 यहाँ आ जाएगा. वापस समझा देती हूँ. एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस के टॉप से अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है, एक 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है. इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, एक शिप एक दूसरी शिप के पीछे, ये और इसके पीछे ये, ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया, पहले ही बना दिया हमने. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, मतलब ये बताना है, ये पूछना है. एक शिप ये रही, ये दूसरी शिप, दूसरी जहाज, और दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस मतलब ये फाइंड आउट करना है. तो पहले इसको हम नेमिंग कर देते हैं, ए बी, इसको सी ले लेते हैं और इसको डी. तो सी डी हमें फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी डी, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. एक्सरसाइज 9.1. अब देखो, अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो बहुत सिंपल सिंपल है, ट्रायंगल लेना है, टेन का यूज करना है, साइन कॉस टेन तीनों में से एक का यूज करना है, ये हमें गिवन है, ये निकालना है, ये नीचे वाला, तो बस पी और बी, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, तो टेन का यूज होगा, पी और बी टेन में आते हैं, तो 10 45 इज इक्वल टू, 10 45 इज इक्वल टू पी अपॉन में बी, ठीक है, तो पी क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है ए बी, तो ए बी लिखो, और बेस क्या है, बेस है मेरा बी सी, तो यहाँ पे बी सी लिख दो. 10 45 की वैल्यू होती है 1, 1 इज इक्वल टू, ए बी मुझे गिवन है जो कि 75 है, और बी सी नहीं पता तो एज इट इज लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से बी सी कितना आ गया, बी सी आ गया 75, ठीक है, तो बी सी मेरा आ गया 75 मीटर, ठीक है. अब आगे करते हैं, नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट, इन ट्रायंगल
ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए बी डी, अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी वापस से 10 का यूज करेंगे, 10 30 डिग्री, ठीक है, वापस से 10 का यूज होगा, 10 30 इज इक्वल टू वापस से वही पी अपॉन में बी, पी क्या है, पी वापस से ए बी, और बेस क्या है इस ट्रायंगल में, ए बी डी ट्रायंगल में बेस क्या होगा, बी डी, तो बेस है यहाँ पे बी डी। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी हमें गिवन है जो कि है 75, और बी डी, बी डी नहीं पता तो एज इट इज लिखते हैं, बी डी हम एज इट इज लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू 75√3, ये बी डी की वैल्यू आ। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो सी डी चाहिए, हमें बोला है दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस बताइए, सी डी भी निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू, अगर मैं बी डी में से बी सी माइनस कर दूं, मतलब मैं बी डी में से, इस पूरे में से बी डी में से ये बी सी निकाल दूं तो सी डी बच जाएगा ना, तो बी डी में से माइनस कर दो बी सी, तो बी डी कितना है, बी डी है मेरा 75√3। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अपन, क्वेश्चन नंबर 13, चलो क्वेश्चन नंबर 13, 75√3, और बी सी कितना आया, बी सी आया था हमारा 75। यहाँ से हम 75 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 75 यहाँ दोनों में है, ठीक है, कॉमन ले लो, तो यहाँ √3 बच गया और यहाँ पे बचेगा 1, तो सी डी इज इक्वल टू, तो सी डी अपना ये आ गया, यही पूछा था हमसे, ये आंसर आ गया अपना, दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 75√3 - 1, तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयर फोर द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75√3 - 1, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 14 पे, 14, 15 और 16, ठीक है, दो क्वेश्चंस और बचे। क्वेश्चन नंबर 14, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स, अच्छा इसका दे रखा है, हमें ये दे रखा, ठीक है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखो समझो इसको, क्या बोला है इसने, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है ये भी, इसकी हाइट दे रखी है, कितनी है इसकी हाइट, ये जो है ना ये हाइट दे रखी है कितनी है, 1.2 मीटर, ये वाली, यहां से यहां तक, ये जो इतनी सी ना ये वाली, ये 1.2 मीटर दे रखी, ठीक है, मतलब ये हाइट, ये 1.2 मीटर, ठीक है, आगे क्या बोला है, गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 88.2 मीटर, ध्यान रखना ये हाइट यहां से लेके यहां तक है, ग्राउंड यहां से मत मान लेना, कई बच्चे सोच लेते हैं यहाँ ये वाली हाइट है 82, ये वाली हाइट है 88.2 मीटर, ये वाली नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना है ग्राउंड से बोला है, ग्राउंड से मतलब ये पूरी नीचे से ऊपर तक ये 88.2 मीटर्स है, ठीक है, तो ये गर्ल है, इसकी हाइट है 1.2 मीटर, और ये लड़की एक बलून को स्पॉट करती, स्पॉट करना मतलब एक तरह से देखना, मतलब पहले वो देखती कि बलून यहाँ था और फिर ये बलून चलता 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 यहाँ पहुंच गया, ठीक है, तो ये लड़की देख रही है इस बलून को, स्पॉट कर रही है मतलब इसको देख रही है, ये बलून यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद ये बलून यहाँ पे चला गया, तो क्या एंगल बन रहा है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, तो सबसे पहले जब ये यहाँ था ना बलून, तो लड़की इसको देख रही है, तो 60 डिग्री का एंगल बन, एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम
एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ समय बाद बलून यहां से यहां चला गया और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। पहले 60 था ना, ज्यादा था, अब 30 डिग्री रह गया सिर्फ, 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन अब ये देख रही है तो 30 डिग्री रह गया। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, मतलब यहां से यहां तक, ये फाइंड आउट करना है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला है कि बलून, मतलब यहां से ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करो, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका पहले डायग्राम ऐसे का ऐसा बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम एक बार हम बना देते हैं, इस डायग्राम को यहाँ पे, ठीक है ना, इधर बना देते हैं एक बार। ग्राउंड है, ये पहला बलून, इधर ऐसे ही बना रही हूँ बलून, ये बलून है, ये यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रही है, ठीक है। अब ये दूसरा बलून यहाँ पर है, ये इधर बन रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये गर्ल है, इसकी हाइट है 1.2 मीटर, और ये जो बलून है ये ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पे, ग्राउंड से है, इसका मतलब ये पूरी हाइट, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं चलो इसको। और हमसे क्या पूछा, हमसे ये पूछ रहे हैं कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अब पहले तो नेमिंग कर देते हैं, ए ये बी है और ये सी है, ये ठीक है, पहले नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी, ये डी और ये हो जाएगा ई, ये वाला हो जाएगा ई, ए बी सी डी। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ना ये डी ई फाइंड आउट कर लो सबसे पहले, ये जो डी ई है, ये एक मिनट, ये मैंने कैसे ड्रॉ कर दिया, ये स्ट्रेट है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें डी ई फाइंड आउट करने की, डी ई कितना है, सबसे पहले यहां लिख लो, डी ई इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, इसको भी लिखो ये एस, ये कितना है एस, ठीक है। अब देखो डी ई चाहिए मुझे, क्योंकि ये ट्रायंगल लेंगे ना अपन, ये वाला ट्रायंगल, तो मुझे क्या चाहिए, डी ई चाहिए, डी ई। तो पहले डी एफ में से, डी ई क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, डी एफ में से ई एफ को माइनस कर दो, मतलब डी एफ मतलब इस पूरे में से इस ई एफ को निकाल देंगे तो डी ई आ जाएगा ना। तो डी एफ कितना दे रखा है, 88.2 मीटर, 88.2 माइनस ई एफ, ये माइनस कर दो, मतलब ये लड़की की हाइट 1.2, इसको माइनस कर दो 0.2, ये तो 0 हो जाएगा, 87 आ जाएगा। डीई क्या आ गया अपना, डीई आ जाएगा 87, ठीक है, डीई 87 मीटर आ गया। अब ये ट्रायंगल ले लो, ये वाला, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल डी पी डी ई, पी डी ई ट्रायंगल के अंदर, एक मिनट रुको, पी डी ई ट्राइंगल के अंदर वही करेंगे अपन, पी और बी, पी परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमें चाहिए, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस क्या है फाइंड आउट करना है, तो इसमें टेन का यूज करेंगे। देखो हमें क्या पूछा है कि बलून के बीच का डिस्टेंस ये कितना,
सीई हमें फाइंड आउट करना है मेन, तो ये फाइंड आउट करना है सीई, मतलब बलून यहां से लेके और यहां तक गया ना, तो इसने पूछा कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है बलून ने, ये डिस्टेंस बताओ, ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछा है, तो ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर ही तो होगा, ये दोनों इक्वल ही तो है, तो सीई फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, तो पी हमें गिवेन है और बेस हमें फाइंड आउट करना है। ये देखो इसका ट्रायंगल इस तरीके का है, ऐसा 90 डिग्री यहाँ पे है इस तरफ, ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगल है। तो हम टेन, ये बड़े वाला ले रहे हैं अपन, तो इसमें 30 डिग्री है ना एंगल, 10 30 इज इक्वल टू पी अपॉन में बी। पी क्या है? डीई, तो ये लिखो हमेशा, यहाँ लिखना है हमेशा डी। और बेस क्या है मेरा? बेस है बीई, तो बेस है बीई। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर कितना है ये डीई, डीई कितना है ये ऊपर यहाँ निकाला था 87, डीई है 87 और बीई कितना है? बीई मुझे नहीं पता, बीई नहीं पता है, तो इसे एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से बीई कितना आ गया, यहाँ से बीई आ जाएगा 87√3। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला ट्रायंगल देखें, अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी या ए सी डी, ए सी बी कैसे भी लिख दो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर वापस से वही 10 60 इज इक्वल टू पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए सी, और बेस क्या है यहाँ पे, बेस है बी सी। 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। AC, AC गिवन है, गिवन है, देखो AC DE के इक्वल ही तो होगा ना, जितना DE है ना ये उतना ही AC होगा, सही है ना, तो AC कितना हो जाएगा 87। BC, BC मुझे नहीं पता, BC हमें नहीं पता, तो BC यहाँ लिख दो एज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC√3 इज इक्वल टू 87। BC इज इक्वल टू, ये √3 मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, अब नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो हम रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 87√3, मतलब इसको रेशनलाइज कर देंगे, यहाँ पे आ गया 3। अब ये कैंसिल भी हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 7 8, 3 9 27, तो अपना BC आ जाएगा, यहाँ से BC आ गया मेरा 29√3, ठीक है, ये मेरा BC आ गया, बस अब हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। BC हमने निकाल लिया, BE हमने निकाल लिया, तो CE निकल जाएगा आराम से, एक स्टेप और लिखना है बस, तो यहाँ से CE कितना आ जाएगा, CE इज इक्वल टू CE, देखो अगर मैं BE में से, BE इस पूरे में से इस BC को हटा दूं तो CE बच जाएगा ना, तो यहाँ पे आप लिख दो BE माइनस, BE में से माइनस कर दो BC को, तो CE आ जाएगा। BE कितना है? BE ये निकाला था हमने, ये रहा 87√3 माइनस BC, ये निकाला था यहाँ पे 29√3, तो इसमें से कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन आएगा, 9 27 7, टू कैरी थ्री 7, ये पूरा का पूरा ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ 29√3 कॉमन आ जाएगा, 29 3 आ जाएगा, ये 9 3 27 7, टू कैरी 3 2 6 7 8, हाँ ठीक है, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा √3, सॉरी यहाँ 3√3 बचेगा इधर, और यहाँ बचेगा माइनस का 1, तो ये आ गया बस अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14 था ना, क्वेश्चन नंबर 14, 29√3 ब्रैकेट में क्या बचेगा अपना, हाँ ब्रैकेट में 3 -1, 3 -1 बचेगा ना यहाँ पे, क्योंकि √3 तो कॉमन ले लिया ना, बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में 3 -1 बचेगा, देखो यहाँ पे रूट अपन ने बाहर निकाल लिया था, ये जो √3 है ना, √3 तो बाहर निकाल लिया, √3 बाहर आ गया, 29√3, 29 3 ये होता है 87, तो 3 -1, 3 -1 मतलब 2, तो 29 × 2 इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा ना, और √3, तो 29 2 कितना होता है, 9 2 18 का 8, 1 carry 2 4 58 होता है, 29 × 2 करेंगे तो 58 आएगा, 58√3 ये आंसर आ गया।
अब यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट लिख दो यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इज, देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इज 58 फुट। ठीक है, ये आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अ स्ट्रेट हाईवे, एक मिनट इसका डायग्राम बनाएंगे। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है तो मतलब टावर के फुट तक ले जाता है। अ मैन स्टैंडिंग एट, तो इसका कुछ नहीं करना तुमको, यहां से अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। सबसे पहले एक टावर बना लो यहाँ, ये बना लिया टावर, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर का टॉप होता है, ये टावर का फुट होता है। तो टावर के टॉप पे यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, कोई मैन खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से कार को देख रहा है, किसी कार को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, तो ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। चाहे आप ऐसे डायरेक्ट यहाँ बना लो या फिर इस तरह से बनाना, कैसे ऐसे बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनता है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो फिर ये जेड बनेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे डायरेक्ट बना दिया। अब चाहे डायरेक्ट बना दो एग्जाम में, वैसे आप पूरा दिखा देना कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ अपन देखते हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनता है। ठीक है, आप देखो हॉरिजॉन्टल लेवल है, सपोज यहाँ पे कोई खड़ा है, ये टावर है, कुछ भी है, बिल्डिंग है, टावर है, तो इससे नीचे की तरफ वो देख रहा है ना, तो ये बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। और यहाँ से कोई ऊपर की तरफ देख रहा है ना किसी को, किसी और टावर को, तो ये बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये तो ऊपर वाला तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये नीचे वाला होता है हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ देखना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, नीचे की तरफ देखते तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ना ये नीचे की तरफ, तो इसका तो कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा ना यहाँ पे, तो हमेशा जेड करके और इसको यहाँ ले आना है, हमेशा ध्यान रखना एंगल ऑफ डिप्रेशन में। डिप्रेशन में हमेशा ऐसे जेड बना लेना, उल्टा सीधा जैसा भी बने, और इसको नीचे लेके आना है इस एंगल को ऐसे। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द, टावर, मतलब जो कार है वो टावर के फुट तरफ अप्रोच कर रही है, बढ़ रही है, मतलब ये जो कार है ये यहां से चलते चलते, यहां से कार चलते 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 यहां पहुंच, फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जैसे 1 घंटे में 1 आवर में 1 किलोमीटर चल रही है, अगले 1 आवर में भी 1 किलोमीटर चल रही है, अगले 1 आवर में भी 1 किलोमीटर चल रही है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ठीक है, मतलब हर घंटे में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया, जैसे सपोज ये कोई कार है और ये चल रही है, तो ये पहले आर में, फर्स्ट आर में कितना चल रही है, 1 किलोमीटर चल रही है सपोज, तो अगले घंटे में भी 1 किलोमीटर ही चलेगी, इसको कहते हैं अपन यूनिफॉर्म स्पीड। सेम स्पीड से चल रही है, अगले 1 घंटे में भी 1 किलोमीटर चल रही है, जितना भी किलोमीटर चल रही है, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड बाद वो कार यहाँ पे उसने उसको दिखाई दी, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था 60 डिग्री का, यहाँ पे ऐसे बनता है देखो, और फिर इसको जेड करके नीचे लाओगे आप इधर, मैंने डायरेक्ट ये नीचे बना दिया ऐसा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री का बनता है।
6 सेकंड के बाद, मतलब यहां से यहां तक कार को आने में कितना टाइम लग गया, 6 सेकंड्स। यहां से चलते चलते यहां पर आने तक कार को कितना टाइम लग गया, 6 सेकंड में कार यहां से यहां पे पहुंच गई, इधर पहुंच गई, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से यहाँ टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, ये बताइए। यहां से और यहां तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा, कर लेते हैं चलो इसको भी। लास्ट क्वेश्चन है आज का। सॉल्व कर लेते हैं। साइज 9.1। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें टाइम का ये दे दिया ना, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस इसमें इन्होंने टाइम का पूछ लिया, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब पूरी एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, यूनिक है, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। और ये बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इसको ये वैसे ही सॉल्व करना है सिंपल। ए बी सी डी। अब यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल ले लो, इन्होंने हाइट नहीं दी थी क्या, इन्होंने क्वेश्चन देखे थे। हाइट भी नहीं दे रखी, 1 मिनट क्वेश्चन में देख ले दो, हाइट टावर की हाइट दी है नहीं। ठीक है, टावर की हाइट नहीं दे रखी, ठीक है, तो इसको करते हैं आप। तो यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल में वही लेंगे, पी और बी की जरूरत है उनको, तो टेन लेंगे, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन में बी। तो पी क्या है मेरा, ए बी, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बेस है बी सी। 10 60 की वैल्यू होती है √3। ए बी नहीं पता एज इट इज लिख दो, बी सी नहीं पता एज इट इज लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी √3 इज इक्वल टू ए, ये ए बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में ए बी डी, इस ट्रायंगल के अंदर वापस से यही करेंगे, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन में बी। पी किसको लिया आपने, ए बी को लिया है, तो यहाँ लिख दो ए बी, और बेस क्या है मेरा, बेस है बी डी, तो यहाँ हम लिखेंगे बी डी। 10 30 कितना होता है, 10 30 होता है 1/√3। अब ए बी मुझे पता है, ए बी ये रहा, तो ये लिख दो ऊपर, बी सी √3 कौन में बी डी, बी डी को एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से बी डी कितना आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू 3 BC। देखो √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है, तो यहाँ से 3 BC आ गया, बी डी क्या आ जाएगा, 3 BC आ गया, ठीक है। अब बी डी मेरा कितना है, 3 BC, और ए बी कितना है, ए बी ये आ गया अपना, और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए बी सी, बी सी कितना आ जाएगा, बी डी डिवाइडेड बाय 3, बी सी क्या आ जाएगा, बी डी डिवाइडेड बाय 3 आएगा, यहाँ से बी सी कितना
इक्वल टू आ गया 3 BC। BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को हम लिख सकते हैं BC+CD लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे BD को मैं क्या लिख सकती हूँ, जो BD है ना BD, इसको मैं लिख सकती हूँ BC+C। तो BD की जगह आप लिखे यहाँ पे BC+CD इज इक्वल टू 3 BC। ठीक है, अब ये BC और ये BC, तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे CD रह जाएगा इज इक्वल टू 3 BC। ये प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -BC। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हो आप। तो CD इज इक्वल टू 3 में से 1 गया तो क्या आ गया, 2 BC, 2 BC आ गया। तो हमने क्या पूछा है, BC पूछा है ना, तो CD अपॉन में इस 2 को यहाँ डिवाइड में। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सही करके लिख रही हूँ, BC को मैं यहाँ लिख रही हूँ और इसको यहाँ। BC इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाई 2। जो BC है, BC कितना है, BC है CD डिवाइडेड बाई 2। CD को 2 से डिवाइड कर दो तो मतलब 6 सेकंड को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो कितना आ जाएगा, 3 सेकंड्स आ जाएगा। 6 सेकंड्स डिवाइडेड बाई 2 तो कितना, BC कितना आ गया, 3 सेकंड। तो इस कार को कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड्स लगेंगे, ये अपना आंसर आ गया। कार को कितना, 3 सेकंड्स लगेंगे सी से बी तक पहुंचने में, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड्स लगेंगे। क्योंकि देखो अगर जो डिस्टेंस है, इन्होंने क्या बोला है, BC इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाई 2, मतलब जो BC है, BC मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, इसका आधा है, CD का आधा है। देखो BC इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये CD के डिस्टेंस का आधा है। ठीक है ना, CD के डिस्टेंस का आधा है। तो यहाँ पे 6 सेकंड लगे हैं तो यहाँ पे 3 सेकंड लगेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है ना, आधे डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए आधा टाइम लग जाएगा ना, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। इसलिए यहाँ पे अगर इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, कार को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में 6 सेकंड लगते हैं, तो यहाँ से और यहाँ तक पहुंचने में 3 सेकंड लगेंगे, क्योंकि जो BC है वो CD का आधा आधा डिस्टेंस है, CD का हाफ डिस्टेंस, तो यहाँ पे 3 सेकंड्स लगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, मैं क्लियर कर रही हूँ, आज बस इतना ही करेंगे, बाकी का कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट, ये चैप्टर हो गया। हे गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।